हमीरपुर के कन्या विद्यालय परिसर में सरकारी स्कूलों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे स्कूलों में किस तरह से काम किया जाए और बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट को चलाया जाए, इस पर कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में 32 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और कार्यशाला में बारीकी से सभी विषयों पर चर्चा कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर कन्या विद्यालय हमीरपुर की प्रिंसिपल नीना ठाकुर भी मौजूद रही। कार्यशाला इंचार्ज प्रिंसिपल सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि कन्या विद्यालय में चल रही कार्यशाला में जिला के 32 स्कूलों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और कार्यशाला में स्कूलों में बच्चों से व्यवहार से लेकर स्कूल मैनेजमेंट को किस तरह से चलाया जाए, इस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीरपगेड़ा में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप से आज अपनी प्रेजेंटेशन देने आया हूँ। आज ये जो कार्यशाला है, ये स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की लगी हुई है। इसमें जिले के विभिन्न भागों से प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर और CHD भाग ले रहे हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, हेड्स को तैयार किया जा रहा है आधुनिक जमाने की जो आगे चैलेंजेस आएगी उस चैलेंज को फेस करने के लिए, अपने टीचर को बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को और बढ़िया चलाने के लिए क्या कुछ बढ़िया से बढ़िया किया जा सकता है, ऐसी गतिविधियों के बारे में उनको जो है पूर्ण जानकारी मुहैया कराई जा रही है, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे जो हैं वो सारी दुनिया के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें, अच्छे नागरिक देश के बने, प्रभावी ढंग से हमारा जो है सिस्टम चले, इसके लिए ये कार्यशाला की जा रही है। जिले के विभिन्न स्कूलों से 32 प्रतिभागी जो हैं यहाँ पर भाग ले रहे हैं। आज प्रयोगशाला का तीसरा दिन है और ये प्रयोगशाला सुबह 9:30 से शुरू होकर 5:30 तक चलती है, जिसमें अलग अलग तरह के टॉपिक हम लेते हैं। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए वो कौन कौन सी बड़ी गतिविधियाँ हो सकती हैं जिनको अगर लाया जाए तो बच्चों की पढ़ाई भी रुचिकर हो और बच्चे जो है इंटरेस्ट से अपनी पढ़ाई करें और बच्चे बिना किसी भय से अपने अध्यापकों से, अपने मुख्य अध्यापक से, अपने माता पिता से अपनी समस्या का जो है बता सकें और ताकि उनकी समस्या का जो है तुरंत कोई समाधान ढूंढा जा सके। जो आज तक तो बच्चों में जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि बच्चे जैसे बड़ी उम्र में हो रहे हैं तो वो अपने अभिभावकों को, अध्यापकों को, अपने मुख्य अध्यापक को अपनी सही बात नहीं बताते कि उनको क्या समस्या है, पढ़ाई में कहाँ समस्या आ रही है या उनका स्वास्थ्य कहाँ ठीक नहीं रह रहा है, कहाँ पर कमी रह रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला चलाई जा रही है, ताकि बच्चों के लिए हम ऐसा टीचरों को यहाँ पर हेड्स जो है उनको ये सिखाया जा रहा है कि वो अपने बच्चों से इस तरह से बात करें जैसे वो घर में अपने बच्चों से करते हैं, वैसे स्कूल में करें, ताकि बच्चे खुल के जो हैं अपने भाव व्यक्त कर सकें पढ़ाई के प्रति भी, स्कूल के प्रति भी, अपने मम्मी डैडी के प्रति भी, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें जिसकी वजह से आगे जो है भविष्य में हमारा राष्ट्र भी बेहतर होगा और एक भविष्य में हम एक स्ट्रांग भारत, एक बड़े अच्छे राष्ट्र के निर्माता जो है वो पैदा करें।